कडल्स एंटरटेनमेंट का शीक जो है ये हमारा खुद का ऑन होम प्रोडक्शन के हिसाब से हम लोगों ने इस चीज़ को चालू किया है। हम भी मिसेस हैं इसलिए हम लोगों ने मिसेस इंडिया जो शुरू किया है। वैसे मिसेस और मिस बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोगों ने मिसेस इसलिए शुरू किया है कि मिस जब रहती हैं लड़कियां वैसे ही सुंदर और अच्छी होती हैं, टैलेंटेड होती हैं। मिसेस होने के बाद में कई महिलाएं अपने आप में लुप्त हो जाती हैं, दिख नहीं पड़ती हैं उनका टैलेंट, उनकी खूबसूरती, उनकी बहुत सारी परिवार और बच्चों के साथ उनका दायित्व बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको करते करते में भी वो महिला अपनी आइडेंटिफिकेशन को सामने लाए, दिखाए और जिस चीज़ में टैलेंटेड है, जिस चीज़ में उनका टैलेंट है या लाइफ में उन्होंने कभी सोचा होगा कि मेरे को कभी ऐसा कुछ फील्ड मिलना चाहिए, हम लोग वैसी महिलाओं को सामने ला के आज हम लोग भारत में सभी जगहों से ऐसी महिलाओं को लाएंगे और उन्हें वैसा प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये भी जानना चाहूँगा कि जो भी महिलाएं हैं, एक मतलब घरेलू महिलाएं हैं, तो किस तरह से आत्मविश्वास बढ़ा है उनका इसमें पार्टिसिपेट करके और आप लोगों ने कैसे निखारा है? ऐसा है कि बहुत सारे कॉल आए मेरे को जब हम लोगों ने शुरू करने की कोशिश किया और बताया लोगों को, तो बोले मैडम हम लोग तो हाउस वाइफ है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमने बोला नहीं, तुम्ही लोग सबसे ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि घर बाहर हर चीज़ तुम लोग जब संभालते आए हो तो तुम्हें ऐसा प्लेटफॉर्म भी, और कभी ना कभी किसी ज़माने में तुम्हारी भी इच्छाएँ थी कि तुम आगे बढ़ना चाहते थे और उस को हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे, क्योंकि आज मीडिया बोलो और सारी चीज़ें हैं, बच्चे देखते हैं मोबाइलों में समझते हैं, तो हम आप भी एज ए मॉम अगर उनके सामने कुछ अच्छा नेतृत्व लेके आएंगी तो शायद बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा। ऐसा ही हम लोगों ने कई प्रकार के उदाहरण दे के महिलाओं को घर से निकाला है और सामने लाया है। तो फाइनल एडिशन कब होने वाला है और कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और किस तरह से तैयारी हो रही है उसके? बॉम्बे में तो हमारा आज पहला दिन है। आप लोगों को भी धन्यवाद और हमारे शिक को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा आज पहला दिन है। काफ़ी ऑडिशन करने के लिए आई महिलाएं, काफ़ी लोगों ने कॉल पे फ़ोन किया, बाहर बाहर से भी आईं, सभी को हम लोगों ने काफ़ी मनोबल बढ़ाया कि आपको करना है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है। बड़ी खुशी होकर महिलाएं आईं। और रही फाइनल की बात, तो अभी हम लोगों ने आज शुरू किया है, दो दिन बाद पूना में है, फिर नागपुर में है, चंडीगढ़, दिल्ली, ऐसे अभी 11 स्टेट हम लोगों ने फाइनल किया है। उसके बाद फिर फाइनल हम लोग जयपुर में करेंगे, जयपुर जहाँ किंग ऑफ मैंने जहाँ राजाओं का राजा रहता था राजवाड़, वैसा एक राजवाड़ा हम लोगों ने लिया हुआ है जिस 7 दिन महिलाओं को रख के उनका अस्तित्व निखारा जाएगा और उन्हें उस प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। थैंक यू। क्या क्वालिटी देखना चाहती हैं आप जो भी कंटेस्टेंट हैं और कैसे उनको मॉडिफाई करने वाली हैं? हम अब फिलहाल तो मैं ये बोलूँगी कि हम 13 सिटीज़ में ऑडिशंस करने वाले हैं और यूनिकनेस हम ये कर रहे हैं कि सब लेडीज़ लोग जस्ट कॉन्फिडेंस हो। हम ऐसे कुछ क्राइटेरिया नहीं कर रहे हैं कि एज, हाइट, वाइटल स्टेटस, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो अंदर की कॉन्फिडेंस जो यूजुअली थोड़ी सी दब जाती है शादी होने के बाद या बच्चे पैदा होने के बाद, हम वो कॉन्फिडेंस जो अंदर दब गई है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था जब आपने पार्टिसिपेट किया, शूट किया, टाइटल विन किया, कितना ज़्यादा दिखा रहा है आपको कसाई नहीं? वो कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा आया है बिकॉज जब आप घर पे रहते हैं आप कॉन्फिडेंट उतने नहीं महसूस करते, लेकिन जब आप काम करना चालू करते हैं, जब लोग आपको अप्रिसिएशन करते हैं, जब आपको प्रोत्साहन करते हैं, आप लोगों की इंस्पिरेशन बनते हो, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कॉन्टेस्ट और जिसमें सोशल मीडिया के लिए जुड़ा हो, जिस तरह से और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए महिलाओं को, कितना ज़्यादा इंकरेजिंग होना चाहिए फ्यूचर में? ये बहुत इंकरेजिंग होना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे देश में फीमेल्स को थोड़ा सा, जितने ही हम आगे बढ़ गए हैं, वुमेन लिबरेशन बोलते हैं, 21st सेंचुरी बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वुमेन को वो लेवल नहीं मिलता है। हम भले ही बोलते हैं कि एक आदमी और औरत कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, बट कहीं ना कहीं एक औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं खुद एक औरत हूँ, मैंने भी काफ़ी टाइम कॉम्प्रोमाइज़ किया है घर गृहस्थी के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको रियली एक पुश की ज़रूरत है ताकि वो आगे बढ़े। Hi, I'm Tarana Bhardwaj Menezes and I'm feeling great to be a part of
Mrs. India, CQ Mrs. India contest. It's a great platform to start up with your career, and for a married ladies, you can again roll up and again start your career. So I think it's a very good initiative taken by Priyanka and Bhavita ma'am. So this is the first time you're participating in Miss Mumbai? No, this is not the first time. I have been crowned as, I was a participant in Miss Mumbai 2012. That was in Miss Mumbai, and I was into modeling, but you know, when you get married, you get busy in your life, and then you kind of out of touch. So I thought, why not again? And here it is. I am again here participating. Yes, I am working. I work with. So basically, ये जो audition, I mean, basically जो contest हो रहा है, ये इस हिसाब से लिया गया है क्योंकि जो वुमेन मिसेस इंडिया जो मिसेस हैं उन लोगों को एम्पावर करने के लिए किया गया है. और इसमें मेरा योगदान ये है कि मैं एज एन एसोसिएट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव एज एन एसोसिएट इनके साथ में जुड़ी हुई हूँ. सो मेरी एसोसिएशन में से भी मैं उन लोगों को भी एम्पावर कर रही हूँ. सो मैं उनको भी पुश कर रही हूँ इस इवेंट में आके उनको अपने आप को दे हैव टू यू नो अपने आप को आगे जाए. ऐसा ना कि अपने ही यू नो दे शुड नॉट बी इन बेसिकली अपने सॉफ्ट जोन में नहीं होने चाहिए, अपने घर में नहीं बैठने चाहिए. दे हैव टू कम आउट. और हर घर पे बैठ के इट इज़ लाइक इन लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है बाकी काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का इनिशिएटिव ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब मनी के लिए नहीं कर रहे हैं. इन लोगों का मैंने ये जो देखा हुआ है, क्योंकि मैं इनके साथ एसोसिएटेड हूँ, मुझे पता है कि इनका इनिशिएटिव एक कॉज के लिए कर रहे हैं कि सबको वुमेन को बाहर आना है. तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है आज के दौर में कितना ज़्यादा वुमेन टर्न हो गई एंटरप्रेन्योर, कुछ बताइए इस बारे में. सो आज के इसमें लोग जो आ रही टर्नओवर जो है रहे, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन 5 महीने पहले शुरू हुआ था सिर्फ 25 वुमेन के साथ, आज 500+ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है. सो मोस्टली वुमेन पहले जो थी कि यू नो बहुत सारे जो लेडीज़ हैं जो अपना करना चाहती थी, पहले लोग निकल नहीं रहे थे. हम लोग जो है उनको ब्रेन वॉश करके हम लोग निकाल रहे हैं कि करो पूरा टाइम घर पे नहीं बैठना है उनको. अगर आप पहले कर चुके जॉब कर चुके बच्चे के लिए फैमिली है, फैमिली के लिए आपने जॉब छोड़ा है, सो आप अपना कुछ करो. एवरी वुमन हैज़ दैट इंटीरियर इंटरनल क्वालिटी इन बिटवीन देन. हर एक के पास एक नया क्रिएटिविटी होता है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है. और जो उनमें है, जो उनको पता नहीं होता है लेकिन उनमें है, वो निकलना चाहिए. So how do you think that the time has changed? कितना ज़्यादा सोसाइटी में लोगों का thought process बदला है, यू नो वुमेन को लेकर वो thought process कितना broaden हुआ है आज के दौर में? आज के दौर में जो सोसाइटी का जो बेसिकली जो पहले भी था, एक्चुअली पहले भी वुमेन लोग करती थी, लेकिन पहले जिस तरह के से सपोर्ट नहीं दिया जाता था, आज वी आर रियली थैंकफुल टू मोदी जी जो एक्चुअली उन्होंने इनिशिएटिव लेके हमारे कंट्री में वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे फ्रैंकलिस में स्कीम्स भी लॉन्च किए हैं कि वो लोग करें. सो यू थिंक इट्स चेंजिंग राइट? इट इज़ यार. चैलेंज की बात करें तो चैलेंज तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा है. बहुत सारे मिसेस इंडिया होते हैं, सब अपने लेवल पे बहुत बेस्ट करते हैं. हम लोग को बेस्ट से बेस्ट करने के लिए ना वो जो चैलेंज हमें फेस करना पड़ा, वो जो दिक्कतें हमें आ रही है, बट स्टिल वी आर ऑन अ ग्रेट लेवल. एक लेवल पर हम लोग कडल्स एंटरटेनमेंट इज़ अ न्यू प्रोडक्शन हाउस, नई कंपनी है जिसने एक शीक मिसेस इंडिया 2018 इज द फर्स्ट वेंचर जो हम लोगों ने किया है. एक्सपेक्टेशन बहुत है और लोगों के रिस्पॉन्स भी वैसे ही आ रहा है. बॉम्बे के आज ऑडिशन गया विच इज़ वेरी सक्सेसफुल. काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग आए, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए. लेट्स सी बाकी की जगह से भी. पुणे में ऑडिशन है हमारा, अहमदाबाद में ऑडिशन है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, हर जगह हमारे ऑडिशन है. लेट्स सी वहाँ पर कैसे आता है. क्योंकि अब ये भी बात है ना भाई कि हर कोई जो है वो मिसेस इंडिया कर रहा है और हर किसी के दिमाग में अब हर तरह के मिसेस इंडिया छपे हुए हैं. तो हम क्या बेस्ट दे रहे हैं वो तो मिलने के बाद पता चलेगा लोगों से जब हम मिलेंगे. बट स्टिल प्रियंका, अंजलि, चैताली, इन सब के सपोर्ट से अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है मिसेस इंडिया के लिए. सर, डू यू थिंक इस तरह का काफ़ी इंस्पिरेशन होना चाहिए दूसरे लोगों को भी, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके? मतलब आई स्वेयर बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंस्पायर, क्योंकि 50 लोग इंस्पायर हो गए फर्जी मिसेस इंडिया करते हैं.
ठीक है, क्या होता है ना, हर चीज़ एक एक्सक्लूसिवली होनी चाहिए। जैसे आप लोग पीआर हो, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो नए नए आते हैं और पीआर बन जाते हैं, तो आप लोग को बड़ी दिक्कत होती है मीडिया वालों को कि आए उठे जुटे अपने फ़ोन पे लोग मीडिया बना। उसी तरह हमें दिक्कत होगी अगर कोई भी उठा सुटा मिसेस इंडिया करने लग जाएगा, तो क्योंकि फिर वो ट्रस्ट फैक्टर ख़त्म हो जाता है, चार्म ख़त्म हो जाता है एक चीज़ का, कि बहुत कॉमन हो जाती है वो चीज़। सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बोलूँगा कि जो कैपेबल है, जो उस चीज़ को कर सकता है, वही मिसेस इंडिया करे, अदरवाइज करके मतलब भी नहीं है ब्रो। तो ये क्या मैरिड वुमेन के लिए होगा कि आगे चलकर यू नो अनमैरिड वुमेन जो टैलेंट है जिनमें आई हैड अ वर्ड, मतलब हम लोग का डिस्कशन हुआ है मेरी पूरी टीम का, तो मिसेज इंडिया इज़ फॉर मैरिड वुमेन। इसके बाद लेट्स सी, हम लोग कुछ एक नया सा फॉर्मेट फैशन में लाना चाह रहे हैं। हमारी टीम से हम लोग की डिस्कशन होता है विच इज़ मिस्टर ग्रैंडपा मिस्टर ग्रैंडमा। बुजुर्ग लोग हैं, आज तक पूरे इंडिया में ऐसा किसी ने नहीं किया, बुजुर्ग लोग हैं वो भी वॉक पर अगर चलेंगे एसिड विक्टम्स के साथ, यू नो जो होमलेस लोग हैं उनके साथ, अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ। सो वो एक नया इनिशिएटिव होगा कडर्स एंटरटेनमेंट का। सो आफ्टर दिस हम लोग प्लान कर रहे हैं उसको करने में, मिसेस ग्रैंडपा एंड यस एग्जैक्टली ग्रैंडपा ग्रैंडमा 2019। लेट्स सी कैसे वर्कआउट होता है। और चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे, जो ये कॉन्टेस्ट है कितना ज़्यादा इंस्पायरिंग, कितना ज़्यादा इंकरेजिंग है आपके लिए और लोगों के लिए। मेरा नाम शमशाद हुसैन है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर आकर, मुझे एक मौका मिला है स्टेज पे अपने आप को बेहतर साबित करने का। जो औरतें जो इस फील्ड में आने के लिए बहुत कतराती हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि माँ बनने के बाद में उनको ऐसे नहीं फील होना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उनमें एक हिम्मत और उनमें एक एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि वो इस स्टेज पर आकर भी अपना हर एक टैलेंट दिखा सकती है। हाउसवाइफ है जी, मैं हाउसवाइफ होते हुए भी मैं एक नर्स हूँ और मैं सब महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ें और हिम्मत से आगे बढ़ें। कौन सपोर्ट कर रहा है आपको, हस्बैंड कौन सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट तो मेरी भाभी हैं और बबीता जी हैं, वो जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप भी एक चांस लीजिए स्टेज पर, इस मंच पर आकर अपनी अदाकारी दिखाएँ, अपनी एम्पावरमेंट दिखाएँ और आगे बढ़ें इंशाल्लाह। और जैसे ये कडल्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेशन से हमें प्रेजेंस से हमें शीक्यू का जो चांस मिला है इस मौके पर कि हम अपने आप को मिसेस इंडिया साबित कर सकें, तो इसमें ऐसा है कि बहुत अच्छा इंस्पायरिंग भी है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से कुछ करने का मौका दें तो क्या करना चाहेंगे? और बस इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और हार्डशिप से ही डेस्टिनी मिलती है। Okay, my name is Renita Pujari Dabholkar and I'm a preschool teacher with an international school. So क्या कहना चाहेंगे, ये जो कडर्स एंटरटेनमेंट का इनिशिएटिव है कितना encouraging है और कितना ज़्यादा यू नो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जब से आपने पार्टिसिपेट तौर पे यहाँ पे आना? सो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बिकॉज नाउ आई एम टॉकिंग टू मीडिया जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होगा, सो वो एक कॉन्फिडेंस होता है, आपको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, यू आर सीन ऑन टीवी लाइक यूजुअल थिंग, सो यू गेट फेमस इन अ वेरी शॉर्ट वाइल, सो कॉन्फिडेंस तो बहुत बूस्ट होता है, पीपल रिकॉग्नाइज यू। हर्डल या डेफिनेटली अभी भी है बहुत सारे, बट आई थिंक इट्स एंड ऑफ द डे इट्स अपॉन द वुमेन एंड आई एम ग्लैड कि अभी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है, पहले नहीं थे, आप खुद से तो कंटेस्ट में नहीं जा सकते, सो एटलीस्ट यू हैव अ मिसेज इंडिया कंटेस्ट, सो यू हैव टू टेक अ इनिशिएटिव एंड देन गो फॉर इट। हर्डल्स तो अभी भी रहेंगे, प्रिपरेशन करना एंड एवरीथिंग। दिस नथिंग लाइक दैट आई देता हूँ। मैं फिल्म वर्कर्स यूनियन, बीजेपी फिल्म वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी हूँ, तो इस हिसाब से ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा है तो हम पूरी इंडिया की लेडीज़ को ये बताना चाह रहे हैं कि देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी और आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ऐसा है कि आप अपने दायरे से बाहर निकल के, अपने घर से बाहर निकल के आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसका आप पूरा फ़ायदा लेके अपने को साबित करें, खुद को साबित करें। चार दीवारी के में रह के आप जो नहीं कर सके हैं, जो तमन्ना है आपकी, वो उस तमन्ना को, उस आपकी आशा को एक नई एक उम्मीद दिखाने के लिए ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, तो जिसका आपको पूरे फायदा उठाना है।
I was working. I've been working for last 13 years, but now after getting married, I'm at home. Okay. I've again started looking out for a job. So. So what led inspired you to be part of this kind of events, Shake Mrs. India? Kya inspiring aur kya kehna chahiye, kitna encouraging hota hai to being part of it? How does the confidence boost up when you participate in this kind of event as such? About participating in a beauty pageant, frankly speaking, every girl has a dream to be in a beauty pageant, you know. When I was back in college, I always dreamt of a tiara over my head with a evening gown and I'm ramp walking and stuff like that. But the fear inside that, you know, you might not be the best or probably you don't have a perfect body. And that fear kills you somewhere, you know. It kills your hidden talent as well. I have lost a lot of chances because of that fear. Frankly speaking, when this came to me, probably I thought I don't have a perfect body at this time, but I can be an inspiration to somebody, or probably most of the women who want to do something in life, you know, they want to have their own identity. And I think beauty pageant was is more than you know, being beautiful, having a beautiful body, having a beautiful face. It's more of having a beautiful soul as well. Your inner talent, the way you present yourself, your confidence. I mean, again, it's a Mrs. India contest. So Mrs. itself has a lot of weightage. It's about being a mother, being a wife, being a partner, a friend, being a daughter as well. So lot of roles that you are doing, and you have to be matured, you have to be confident, you have to have that in you. You have to have the spark in you. And I guess I want to be an inspiration to a lot of women who think that it's the beauty pageant is only about being a beautiful lady, presentable as well. But then, yes, it is also about being intelligent, having a beautiful soul as well. So. So what do you think, this kind of event are required much more to, you know, bring about a change in the society? So yes, yes, absolutely. Because most of the times we've seen a lot of platforms for a girl who's not married, you know, Miss India, Miss Mumbai and stuff like that. Very less competitions for a married female. She's lost somewhere in her daily routine, in her family life, in her responsibilities and stuff like that. This is a platform which can take her out from there, and she can have her own identity as well. मैम, क्या कहते हैं, कडल्स एंटरटेनमेंट का ये श्रेय, मिसेस इंडिया का ये जो ऑडिशन होने वाला है, किस तरह से आप जाचेंगे जो कंटेस्टेंट होंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितना मॉडिफाई किया जाएगा उनके पर्सनैलिटी को इस ऑडिशन में? मॉडिफाई तो उनके अंदर बस कॉन्फिडेंस लाना है हमें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, क्योंकि काफ़ी तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होती हैं, कुछ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और उनको ये बताना है कि घर से निकल के बाहर भी एक दुनिया होती है, क्योंकि शादी के बाद ज़्यादातर लेडी सोचती है कि बस पति बच्चे उनमें बंद के रह जाती हैं, सोचती है हम कुछ कर नहीं सकते, बट ये दिखाना कि नहीं, उसके बाद भी लाइफ है, और हम ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और उसके और उन्हें जो प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स शायद नहीं देते, और हम वो फुलफिल, क्योंकि हम भी रह चुके हैं, मैं और प्रियंका इस फील्ड में, तो उसके बाद प्रमोशंस नहीं होते हैं, हम ये सब उनको प्रॉमिस करके देंगे ज़रूर। तो कडल्स एंटरटेनमेंट का ये जो सराहनीय कदम है, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा और इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए फ्यूचर में मैरिड वुमेन के लिए, खासकर बात करें तो? काफ़ी होने चाहिए हमारी तरफ से, तो हम लोग, क्योंकि मैं और प्रियंका, हमने काफ़ी दिन से हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम भी इस फील्ड से रह चुके हैं, तो वो जो मिलना चाहिए प्लेटफॉर्म, वो प्रॉपर मिलता है नहीं, तो हम शायद वो अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश करेंगे देने का। तो आप बताइए, आपने कितना परिवर्तन आया था जब आपने पार्टिसिपेट किया? काफ़ी आया, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ रह चुकी हूँ, और कॉन्फिडेंस में तो काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं, और आज मैं खुद का पेजेंट कर रही हूँ, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू।